आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा जन जन तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नया प्रयोग करेगी। मिस्ड कॉल से सदस्य अभियान सफल रखने के बाद पार्टी अब मिस्ड कॉल से महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष की उपलब्धियों का प्रपत्र देकर प्रत्येक मतदाता के मोबाइल से पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे। घर पर जाकर परिवार के सदस्यों को मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों पर हुए कार्यों के बारे में बताएंगे। उनके मोबाइल से टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सत्यापित करेंगे कि उन्होंने परिवार से बात की है। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पार्टी के पास डाटा संकलित हो जाएगा, जिससे लोगों तक उपलब्धियों तक पहुंचाने में प्रपत्र पहुंच गया है। इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ विमांशु जुड़ चुके हैं। विमांशु, बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए, 9 साल की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए जनता के पास जाकर जनसंपर्क करेगी और बाकायदे उनको 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको बताएगी और साथ में मिस्ड कॉल के माध्यम से उनको जोड़ेगी पार्टी संगठन के साथ में और उनके कार्यों के साथ में, एक नई दिशा के साथ में। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें कि देश के अंदर में महज 1 सालों के भीतर लोकसभा चुनाव है, 1 साल से कम का भीतर समय बचा हुआ है और जहां अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हुए, उसके ठीक बाद अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बताया कि निकाय चुनाव में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में थी, अब देश भर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बताया कि इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश में कैसे इसे अभियान को सफल बनाना, इसको लेकर कल मंथन भी कर चुके हैं, इस बात पे चर्चा भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में अगर देखें, चाहे देश के अंदर में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल के कार्यकाल है उसमें जो अहम कार्य हुए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी का अगर देखें तो सिर से लेकर और जमीन के एक जमीन स्तर पर भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आते हैं, चाहे बात की जाए पार्टी के जो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हो यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बूथ का एक पन्ना प्रमुख हो, हर एक व्यक्ति विशेष को उसकी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं नवाजा जाता है, जिसका नतीजा है कि बीजेपी को हाल फिलहाल के 9 सालों में एक ऐतिहासिक सफर रहा है बीजेपी का। और अगर बात करें तो अब 1 साल के अंदर लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर अगर देखें तो दायित्व का चयन किया जा रहा है, साथ ही साथ जो सरकार के मंत्री हैं केंद्र सरकार के, साथ ही साथ सांसद हैं, विधायक हैं या हाल फिलहाल में नगर निगम चुनाव में जीते तमाम पार्षद प्रत्याशी हैं, सभासद प्रत्याशी हैं, ये सभी मिलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कार्य को लेकर एक पत्र आम जनता को देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें अगर बात की जाए तो क्षेत्रवार तरीके से नेताओं की जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा, जो जमीन पर जाकर और जो बीजेपी के समर्थक हैं, साथ ही साथ बीजेपी के स्कीम्स में, बीजेपी की नीतियों में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाने का काम करेगी बीजेपी। आपको बता दें अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दल आज के समय बीजेपी है, क्योंकि इस दल के अंदर में कहीं ना कहीं सबसे अधिक कार्यकर्ता होने के नाते दुनिया का सबसे बड़ा दल बोला जाता है। एक बार फिर अब बीजेपी अपने पुरानी पैतृक को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। वही अगर बात की जाए तो इस तमाम जो हैपनिंग है, जो तमाम सक्रियता बीजेपी की, आजकल निकाय चुनाव हो या हाल फिलहाल में चुनाव हो, इससे इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक अहम चुनौती मिलते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी मनीष जी कि विपक्ष इन तमाम सक्रियता को, जब बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग पैतरों से चुनावी प्रचार, चुनावी मंथन करते हुए नजर आते हैं, इसको कैसे चुनौती देंगे। जी विभांशु, कर्नाटक में पराजय के बाद बीजेपी की जो रणनीतियां दिख रही हैं और जो संगठन की बैठकें दिख रही हैं, हालांकि जिले में जाकर पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं जिसमें आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो भी जाकर अब बैठकें करने वाले हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कर्नाटक में जो पराजय है उसके बाद बीजेपी एक्टिव मोड में कुछ ज्यादा नजर आ गई है और वो जन जन पे जाके आम आदमी से जाके मिलेगी, अपने पदाधिकारियों और निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है उनके जिन्हें पन्ना प्रमुख कहा जाता है वहां तक जाकर ये अब लड़ाई लड़ने वाली है ताकि 2024 की लोकसभा में एक बड़ा बहुमत लेके निकल सके, क्या कहेंगे? मनीष जी, अगर बात की जाए 9 सालों के अंदर तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जिम्मेदारों के सक्रियता की वजह से ही बीजेपी कहीं ना कहीं आज सत्ता के शीर्ष पर बैठी है। आपको बता दें, अगर आपके सवाल पे लौटे मनीष जी, तो कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, 3,700 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने किया, उसमें अगर बात करें तो देश के अलग अलग कोनों में 11 राज्यों में जाकर और कहीं ना कहीं देश की तमाम बातों पर राहुल गांधी बात करते हुए, जिसके बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस यात्रा के बाद चुनौती का विषय को लेकर इस मामले इस यात्रा को चुनौती के तौर पर लेकर और अपनी यात्राएं निकालने की फिराक में है। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी अगर देखे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों के बीच जाकर जो नीतियों को, जो 9 साल की नीतियों को बताने का कार्य किया जा रहा है, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाल फिलहाल के रिजल्ट, चाहे हिमाचल हो चाहे बात करें आपके कर्नाटका हो, इन दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिली है और इसे इसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकसभा पड़े। अब देखने वाली बात होगी मनीष जी कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग विशेष समुदाय से मिलकर, चाहे छात्र हो चाहे बस्तियों के लोग हो चाहे वो डिलीवरी पार्टनर्स हो, सबके दिन साथ हर दिन वो आजकल देखे सोशल मीडिया के माध्यम पे ट्रेंडिंग पे रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उनका क्रेज बढ़ा है, तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और बीजेपी इसके डैमेज कंट्रोल के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के चुनाव में दोनों नेताओं की अगर सक्रियता बढ़ती है तो मुकाबला भी दिलचस्प होगा। जी विभाषु, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रदेश के सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। छोटे और बड़े शहरों में बढ़ती ई रिक्शा की समस्याओं को देखते हुए यूपी सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। प्रदेश में संचालित अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर सरकार के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर अवैध स्टैंडों को लेकर निर्देश जारी किए। उन्होंने इस तरीके के अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड को तत्काल रूप से बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में आम जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए सीएम ऑफिस की ओर से अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके साथ ही साथ ठेकेदारों को टैक्सी स्टैंड, ई रिक्शा स्टैंड और अलग से स्थान देने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में के हर जिले में जगह जगह पर अवैध टैक्सी स्टैंड की वजह से जाम की समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता है। इस वजह से जनता आए दिन परेशान होती नजर आ रही है और शिकायतें करती है। इसी के तहत सीएम योगी ने इसका संज्ञान लेकर प्रदेश के सभी जिलों में ये अधिकारियों को आदेश दिया है कि वहाँ पे जो भी अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड या अदर जो भी अवैध अतिक्रमण हो रखा है उसको, उससे प्रदेश की जनता को राहत दिलाई जाए ताकि ये जो जमावड़े वहाँ पे हो रहे हैं ये जमावड़ा ना हो पाए। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से रितेश और कानपुर से अनिल जुड़ चुके हैं। यूपी में गैर कानूनी तरीके से अवैध टैक्सी स्टैंडों, बस स्टैंडों का बोलबाला है, जिससे आम जनता को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छोटे और बड़े शहरों में बढ़ती रिक्शा की समस्या को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और सीएम योगी ने इसके कड़े आदेश भी जारी किए अधिकारियों को कि जितनी जल्दी हो सके इनसे निजात दिलाई जाए प्रदेश को। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल और रितेश। रितेश लखनऊ से हैं और अनिल कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले चलते हैं अनिल के पास। अनिल, कानपुर की सबसे पहले आप स्थिति बताइए इन जामों को लेकर। जी बिल्कुल मनीष, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से कानपुर में अतिक्रमण की देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण है, क्योंकि लगभग जितने भी चौराहे हैं सभी अतिक्रमण से भरे हुए होते हैं, क्योंकि ई रिक्शा, टेम्पो और ऑटो जितने भी होते हैं वो चौराहों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि इनके अवैध तरीके से रिक्शा चलाना और अवैध तरीके से कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देना, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी समस्या सामने आती है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब सरकार का गठन हुआ था, सरकार के गठन के बाद लगातार इन्होंने लगाम करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे, क्योंकि अब जो स्टैंड होते हैं ये माफियाओं के होते हैं और माफियाओं के कमर तोड़ने के लिए
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी अवैध स्टैंड हैं सभी को हर चौराहों से हर तरीके से हटाया जाए, और यदि किसी को दिया जाता है लीगल तरीके से लेकिन वो लीगल जगह पे बनाया जाए ताकि किसी आम जनमानस को समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिस हिसाब से बड़ी समस्याएं होती हैं कहीं ना कहीं ये आम जनता को बहुत ही परेशानी क्रिएट करती है, क्योंकि लगभग जो शहर के बड़े चौराहे होते हैं वहां पे ये रिक्शा और ये रिक्शा काफी ज्यादा और कहीं भी किसी तरीके से खड़े कर देते हैं। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ समय समय पर ट्वीट कर और सभी अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिल्कुल सचेत करते हैं कि इस प्रकार के अवैध स्टैंड बिल्कुल भी ना चले ताकि आम जनमानस को इन सब चीजों को समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये चीजें कुछ ही आदेश करने के कुछ दिनों तक ही रोड पर रहती हैं लेकिन बाद में इसको भी बुरी अवस्था बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात होती है अगर सूबे के खुद इस चीज के लिए लगातार दिशा निर्देश देते हैं तो आखिरकार शहर के जो अधिकारी होते हैं वो आखिर इन सब चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जी अनिल चलते हैं रितेश के पास। रितेश आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश लखनऊ में इस समय खुद जहां सीएम योगी खुद बैठते हैं वहां उस लखनऊ की क्या स्थिति है इन जामों को लेकर, जगह जगह टैक्सी स्टैंड और इस तरह के अतिक्रमण नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप क्या कहेंगे कि कितने यहाँ पर जरूरत है इस समय इन अतिक्रमणों को हटाने की? अगर बात की जाए पेड़ी पुजे चौराहे से अगर देखा जाए चार भाग तक का सफर करना हो तो जो समय बीस मिनट में पहुंचने का होना चाहिए करीब डेढ़ घंटे लग जाते हैं बाइक से या कार से जाने में। सबसे बड़ा जाम का जो स्थिति जो बन रही है अवैध टैक्सी स्टैंड है वहां पर ई रिक्शों की भरमार हो चुकी है और जो डीजल वाहन टेम्पो है वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में और किनारे में चलने को मजबूर हो रहे हैं और लगातार चल भी है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं उस दिशा निर्देश के तहत 48 घंटे के अंदर जितने भी अवैध टैक्सी स्टैंड है उनको बंद करने की बात कही जा रही है और स्थान चिन्हित करके जो उस पर ठेकेदार जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं जो चला रहे हैं अनाधिकृत रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। लखनऊ में जांच के लिए भी बात की जाए पूरी राजधानी में चाहे वह चौक चौराहा हो मेडिकल कॉलेज का हो विकासगढ़ हो पीढ़ी पुलिया चौराहा हो या जो भी चौराहे जो प्रमुख चौराहे है लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर केवल टैक्सियों का भरमार है क्योंकि वो कहीं तो बिना कुशल है और कहीं ऐसे भी हैं जो अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे हैं। रितेश अमूमन देखने में रितेश अमूमन देखने में ये आता है कि जितने भी बड़े चौराहे लखनऊ में हैं वहाँ पर जहाँ जो भी टैक्सी स्टैंड वाले होते हैं या डग्गा मारल जो भी होते हैं जहाँ तहाँ भी अपनी गाड़ियों को पार कर देते हैं खड़ा कर देते हैं वहाँ पे सवारियाँ चढ़ाने लगते हैं उतारने लगते हैं, इतने कितने आपके ऐसे संज्ञान में हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर स्टैंड चलाते नजर आ रहे हैं? देखिए मैं मनीष आपको बताऊं कि पूरे लखनऊ का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के हर चौराहों का ये मामला है जी। अवैध टैक्सी स्टैंड हर चौराहे से चलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी चौराहे हैं वो सब जगह से संचालित होते हैं। लखनऊ की बात की जाए तो जितने भी चौराहे आप जाएंगे वो सारे चौराहे राजनीतिक रूप से संचालित होते हैं, वहां पर बकायदा ठेकेदार भी होता है गाड़ियों की वसूली होती है वसूली करके वो उससे जो उसका जो पैसा हो तो संबंधित थानों में भी जाता है और उसका बंदरबाग भी लगातार होता रहता है। ये बहुत बड़ी चीज है पूरे क्षेत्र में, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इस मामले को और जितने भी अनाधिकृत रूप से टैक्सी स्टैंड चलाए जा रहे हैं भरमार है टैक्सी स्टैंडों की उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए क्योंकि 48 घंटे की मोहलत दी गई है। अब शासन में बात पहुंची है और अगर लखनऊ की केवल बात की जाए तो पूरे लखनऊ में सैकड़ों टैक्सी स्टैंड है और जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। नगर निगम से नो वेंडिंग जोन जो वेंडिंग जोन है उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, इस पर भी लोग प्रभावी कार्य नहीं कर रहे हैं, इसको अपने मनमानी तरीके से स्टैंड को चलाया जा रहा है। फिलहाल इस पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं बीड़ा उठा लिया और अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। अब 48 घंटे में रिजल्ट आपके सामने। जी रितेश अब अनिल के पास चलते हैं। अनिल आपके संज्ञान में वहां के सभी चौराहे कानपुर के और सभी इलाके ऐसे होंगे जहां पर अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड चलाए जा रहे हैं, कई जगह ऐसे भी देखने में आता है कि टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है लेकिन वो अधिकारी रूप से उनको दिया नहीं गया है, वो वहां पे कब्जा करके उस स्टैंड को आगे बढ़ा रहे हैं, बकायदे टोकन दे रहे हैं, बकायदे चीजों को लेके चल रहे हैं, इन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही और संबंधित अधिकारियों ने इस पे अब तक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी? जिस हिसाब से कानपुर के अगर प्रमुख चौराहों की बात की जाए तो कानपुर में प्रमुख चौराहा विजयनगर है, जरीब चौकी है और फजलगंज है, फूलबाग है, ये सब सारे प्रमुख चौराहे हैं।
लेकिन अगर आप इनपे अतिक्रमण की संख्या देखेंगे तो अतिक्रमण इस प्रकार से है कि वाकई में देखने वाली चीज होगी कि जिस हिसाब से लगातार कानपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि शायद इन सब चीजों को समस्याओं का लेकिन जिस हिसाब के बाद इसी तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ती रही। उसके बाद देखने में आया कि हिसाब से सरकार और निर्देश देने के बाद किसी हिसाब करने के अधिकारियों को इन सब चीजों को कंट्रोल करने के दिशा निर्देश दिए गए थे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढीला डवाइस देखने को मिली। इसके लिए बता दूं कि जब से कानपुर में रवीना त्यागी डीसीपी बनाई गई ट्रैफिक की उसके बाद देखा जाए तो काफी ट्रैफिक और साथ ही काफी सुधार देखने को लगातार जिस हिसाब से रवीना त्यागी डीसीपी जो है वो जिस हिसाब से सड़कों पर उतर के काम कर रही है और जिस हिसाब से शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पे कैमरों को अलर्ट मोड पर लगा दिया गया है और लगातार उसकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है। कंट्रोल रूम में भी जो भी कंट्रोल करते हैं उनको भी उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है और लगातार इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। हालांकि वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए कानपुर ट्रैफिक की तो काफी इस पर कंट्रोल हुआ है। देखने वाली बात होगी कि ये चीजें अगर इसी पर चलती रहती हैं तो कानपुर में काफी सुधार देखने को मिलेगा यदि क्योंकि लगभग जब भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं दिशा निर्देश देने के कुछ ही दिनों तक ये सब चीजों का पालन होता है फिर उसके बाद उसी तरीके से उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अन्य सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए इस पर सख्त निर्देश जारी किए और कहा गया है कि जितने भी अवैध टैक्सी या जो भी संचालित हो रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और तत्काल उनकी एक सुव्यवस्था बनाई जाए। आपको क्या लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इसमें सम्मिलित नजर आ रहे हैं? जब सरकार बनी थी बीजेपी की और बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता ये भी थी कि शहर से माफियाओं का अंत किया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह पे जितने भी अगर स्टैंड देखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो शहर के बड़े माफिया होते हैं उनके जो होते हैं और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ माफियाओं को कमर तोड़ने में लगे हुए हैं उसी के तहत उनका एक एकमात्र मुद्दा था कि जिस हिसाब से जो इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं माफियाओं के यही सब अवैध चीजें होती हैं तो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिस हिसाब से डिप्टी माफ कीजिएगा सूबे के मुखिया ने जिस हिसाब से आदेश किए थे और लगभग हर महीने दो महीने में खुद योगी आदित्यनाथ इसको ट्वीट करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को इसको सचेत करते हैं कि जितने भी अवैध कार्य हैं और इसके अलावा अवैध स्टैंड है सभी को उस हर चौराहे से इस तरीके से हटा दिया जाए और उसको वैध बनाकर जो भी नियमानुसार जो भी इसकी प्रणाली होती है उसको लागू किया जाए। लेकिन ये सब चीजें देखी जाती हैं कि जब योगी आदित्यनाथ इसको आदेश करते हैं तो कुछ ही दिनों तक चलती है उसके बाद सारी चीजें इसी यूं ही ढीला ढवाई कर दी जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर योगी आदित्यनाथ खुद इस चीज को लेकर इतना संज्ञान में लेते हैं तो अधिकारी आखिर इसको ढीला ढवाई क्यों नहीं करते हैं? लेकिन जिस हिसाब से अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जब सूबे के मुखिया खुद ही इस चीज के लिए आगे आ रहे हैं। जी अनिल, आपको रोकना चाहेंगे, रितेश हमारे साथ मौजूद है। रितेश, सूबे के मुख्यमंत्री खुद लखनऊ में बैठ रहे हैं और अभी एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें अवैध रूप से एक ठेकेदार टैक्सी स्टैंड चलाता हुआ पकड़ा गया था जिसके पास उसके पास कोई भी आधिकारिक चीजें नहीं थी तो इसमें कहीं ना कहीं क्या प्रशासन के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित नजर आ रहे हैं? आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का बकायदा अवहेलना किया गया था, इससे पहले भी अवैध टैक्सी की गई थी और ऊपर प्रभावी कार्य करने के लिए प्रवर्तन दल को कह दिया गया। छापेमारी में कुछ दिन तक यह गाड़ी चला उसके बाद दृश्यता लिप्त हो गई और अभी आज तक भी वो चला है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना है जिसकी वजह से अवैध स्टैंड फिर से जागरूक हो गए हैं और फिर से वो चला रहे हैं। सबसे बड़ा मामला ये आ रहा है मनीष, मैं आपको बताऊं कि जब एक मुख्यमंत्री किसी चीज का आरोप करता है तो उससे सरकारी जो उसके माताहत है वो उनके दामों को उनके आदेशों को तरीका लगाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जेब भरने के लिए पूरी तरीके से उतर करते हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर जान की देखी जाए तो अवैध जो स्टैंड बनाए गए वो अनाधिकृत रूप से जो गाड़ियां चलती है वो भरमार है गाड़ियों की। आज स्टैंड जो है चल रहे हैं उनके रूट नहीं निर्धारित है, वो किसी भी रूट पर अपने मन से बनवाने तरीके से चल रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर जो चीजें 10-20-50 हजारों की संख्या में है क्योंकि इनको परमिट नहीं दिया जा रहा है किस रूट पे चल रहा है, वो जहाँ उनकी मर्जी है वहाँ वो चल रहा है तो इस वजह से ये भी एग्जाम का बड़ा कारण बन रहा है। लखनऊ स्मार्ट सिटी है, एक दो महीना बचे हुए स्मार्ट सिटी दो और अभी अगर आज देखा जाए तो लखनऊ में अतिक्रमण इतना ज्यादा है जिसको नगर निगम अभी तक साफ नहीं कर पाया तो इस स्थिति से बनाने का भी इनका योजना विफल हो रहा है। परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से विफल है, जी देश को भी विस्तार हो रहा है। जी जी देश, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसका संज्ञान ले लिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को इन जामों से निजात मिलेगा। कानपुर से अनिल और लखनऊ से रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां भी टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड या जहां भी अतिक्रमण जैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है, उसको तत्कालिक रूप से उस पर एक्शन लिया जाए और इन जामों से उन्हें निजात दिलाया जाए। अवैध टैक्सी, अवैध बस स्टैंड, अवैध रिक्शा, ई रिक्शा, जहां भी अवैध रूप से खड़े होते हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। और पुलिस महकमे को भी खास तौर पर यह हिदायत दी गई है कि ऐसे भी कहीं खड़े होकर इस तरह से जाम लगाने का प्रयास ना हो। तो आपको बता दें, सरकार के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अवैध स्टैंडों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस तरीके से अवैध टैक्सी, बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंडों को तत्काल रूप से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में आम जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए सीएम ऑफिस की ओर से अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ ठेकेदारों को टैक्सी स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड के लिए अलग से स्थान देने की बात भी कही जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश में जहां तहां अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जनता को जाम का सामना करना पड़ता है और कभी कभी पुलिस महकमे के अधिकारियों को भी इसका बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के तहत, इस योजना के तहत सीएम योगी ने इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ई रिक्शा के खड़े करने की समुचित व्यवस्था करी जाए, उनको एक स्थान दिया जाए जहाँ पर वो इस पे कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल और राजन सोनकर मेरठ से जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, सबसे पहले आपके पास चलते हैं, प्रयागराज की इस समय स्थितियां बताइए कि प्रयागराज में इस समय जाम की क्या स्थिति और जनता को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कितनी अवैध रूप से वहां पे टैक्सी, बस स्टैंड व ई रिक्शा अनैगल तरीके से खड़े होते हैं। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये आदेश जारी किया है, मुख्यमंत्री कार्यालय से जब ये आदेश आया है कि जितने भी गैर कानूनी अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड तथा ई रिक्शा स्टैंड संचालित हो रहे हैं उनको तत्काल से बंद किया जाए तथा ठेकेदारों को अलग से इसके लिए जगह मुहैया कराई जाए। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज चूंकि एक पॉश एरिया का एक शहर है और यहाँ पर गंगा यमुना संगम है और तमाम यहाँ देश विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। ऐसे मगर प्रयागराज की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में ई रिक्शा तथा जितने भी अवैध डग्गामार वाहन चल रहे हैं इसकी वजह से यातायात व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित होती है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद से जिस तरीके से ये कार्यवाही होगी निश्चित रूप से प्रयागराज के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जी मनीष, पवन, सीएम योगी की तरफ से अधिकारी के बयान आने के बाद क्या आपको प्रयागराज के अधिकारियों में कुछ हलचल नजर आ रही, क्या उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं जिससे लगे कि प्रशासन अलर्ट पे दिख रहा है? क्योंकि अगर मनीष मौजूदा समय की बात की जाए तो आला अधिकारियों द्वारा अभी इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यालय से इस तरीके का आदेश आना और आला अधिकारियों का इस पर कोई किसी तरह की गतिविधि न होता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवैध तरीके से संचालित हो रहे तमाम जो डग्गामार वाहन है, जो बाहर स्टैंड है, इनको रोकने का जो यहाँ पे प्रयास किया गया है निश्चित रूप से लोगों के लिए एक बड़ी राहत बड़ी खबर होगी। हालांकि आला अधिकारियों की बात की जाए तो आला अधिकारी का जो इस पे अभी तक किसी तरह का दाई कोई प्रतिक्रिया दिखे दाई की अभी तक इस पे कोई कार्यवाही दिखी है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रयागराज कई ऐसा स्थान है जहां पर तमाम वो पॉश एरिया है जहां पर लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो निश्चित रूप से इस समय जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मौसम है, अगर तापमान की बात की जाए तो करीब 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो तापमान है, ऐसे में लोगों को जब जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है तो ये एक बड़ी समस्या है और ऐसे में अगर लोगों को इससे निजात मिलेगी तो निश्चित रूप से लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर होगी। जी मनीष, पवन पटेल जी आपको रोकना चाहेंगे, चलते हैं राजन के पास मेरठ से। राजन, आपसे जानना चाहेंगे इस समय मेरठ की क्या स्थिति जाम को लेकर? देखिए, जाम का जो जाल है वो पूरे मेरठ में फैला हुआ है और इसको लेकर यातायात पुलिस लगातार प्रयास करती है कि लोगों को जाम से निजात दिला सके। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सरकार पे काबिज हुए थे, जब उन्होंने प्रदेश की कुर्सी को संभाला था, तो सबसे पहले उसका यही कहना था कि उत्तर प्रदेश में माफिया किसी भी तरीके का हो
चाहे वो अवैध तौर पर स्टैंड को लेकर हो, चाहे वो जमीन कब्जाने को लेकर हो, प्रदेश में उन्हें किसी भी तरीके से रहने नहीं दिया जाएगा। या तो सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा या इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ जाएगा। फिलहाल अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, लेकिन मेरठ के एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव से हमारी बात की, उन्होंने हमें बताया कि 18 वैध ऑटो स्टैंड चल रहे हैं मेरठ में, जिन्हें कुछ नहीं कहा जाता। वहीं जो अवैध ऑटो स्टैंड है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और वहीं मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में 6 मुकदमे इन चीजों को लेकर दर्ज कराए गए हैं, जो अवैध रूप से ऑटो स्टैंड चला रहे थे, जो अवैध बस चला रहे थे। फिलहाल एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव का यही कहना है कि 125,000 रुपए उनसे जुर्माना भी वसूला, चालान भी कई किए गए हैं और कई वाहनों को सीज करके पुलिस लाइन में जमा भी करवा दिया गया है। फिलहाल देखिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था और उसी की तर्ज पर मेरठ पुलिस, यातायात पुलिस उसी पर काम कर रही है और बहुत जल्द मेरठ को जाम से निजात दिलाने के लिए मेरठ की जनता को जाम से हर वो प्रयास कर रही है जो करना चाहिए। बहुत जल्द अब मेरठ में मेट्रो भी का भी काम चल रहा है, उसको लेकर भी थोड़ी सी जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मेरठ में मेट्रो का जो काम चल रहा है वो कैसे समाप्त होगा, उसे कहीं ना कहीं जाम से निजात मिलेगी, क्योंकि मेट्रो का जो काम चल रहा है उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के जरिए यानी कि यातायात विभाग की तरफ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। तो देखा जा सकता है कि यातायात पुलिस और मेरठ पुलिस थाने संबंधित थाने की पुलिस मिलकर लगातार इन अवैध ऑटो स्टैंडों को चिन्हित कर रही है। वहीं मेरठ के 0 माइल चौराहे पर एक अवैध ऑटो स्टैंड चलता है जो कासिम और बिलाल नाम के युवक चलाते हैं, उन पर थाना लाल कुर्ती पुलिस और थाना सिविल लाइन पुलिस और गंगानगर पुलिस ने कई बार मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भी भेज दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार वहां पर अवैध ऑटो स्टैंड चला रहे हैं। रोड पर ही गाड़ी खड़ी करवाते हैं, वहां पर गाड़ियों को भरवाया जाता है और उसके बाद ऑन रोड ही सवारी को उतारा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि जो सवारी वहां बैठी रहती है, पीछे से भारी वाहन आते तेज गति में, ऐसे आमने सामने की टक्कर हो तो सवारी जान भी जा सकती है, उसका सरासर को जिम्मेदार होगा। तो मेरठ जितेंद्र श्रीवास्तव का यही कहना है कि हमारा काम जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना है, लेकिन जो अवैध ऑटो स्टैंड चला रहे हैं उन जगह को कब्जा करके जो वहां पर स्टैंड चला रहे हैं उन्हें वहां से हटाने का काम जो है नगर निगम का है, ये काम नगर निगम को करना चाहिए। तो वहीं अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम इस पूरे मामले में कार्रवाई में बिल्कुल शून्य पाई गई है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। राजन आप ये कहना चाहते हैं कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता होने के कारण ही ये अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ई रिक्शा अपने सुचारू रूप से चल रहे हैं और जिसकी वजह से आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यही कहना चाहते हैं आप? ठीक है, तो सही काम कर रही है। वहीं अगर नगर निगम की बात करूं, जब नगर निगम और ट्रैफिक दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे तो अवैध ऑटो स्टैंड जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन यदि ट्रैफिक विभाग की बात करूं तो ट्रैफिक विभाग यानी कि यातायात विभाग अपने तरीके से बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो गाड़ियां सीज करता है, उनके चालान करता है, उन्हें पुलिस लाइन में जमा करता है, उनसे जुर्माना वसूला जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जो नगर निगम उस एरिया को कब्जा मुक्त कराना, तो नगर निगम से बिल्कुल तय है कि नगर निगम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, जबकि यातायात पुलिस जितेंद्र श्रीवास्तव बहुत अच्छे तरीके से मेरठ को जान से निजात दिलाने को जनता को प्रयास भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को कार्रवाई भी कर रहे हैं। राजन मेरठ से राजन और प्रयागराज से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता जाफर याब जिलानी का निधन, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जिलानी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे जिलानी। यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं जिलानी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जाफर याब जिलानी। निशाजगंज के अस्पताल में ली जिलानी ने अंतिम सांस। इस खबर पर संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता जाफर याब जिलानी का निधन हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी रहे थे जिलानी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जो जाफर याब जिलानी का आज निधन हुआ है, ये काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिनका निशात हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे हैं और इसके साथ जो वरिष्ठ, जो बात की जाए वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और जो
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमेटी के सदस्य भी रहे, लेकिन जिस तरीके से आज इनका निधन हुआ इसको लेकर के आज एक कमेटी की बैठक भी बुलाई गई थी, क्योंकि उसमें एक नया अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन उसी दौरान आज जो है सिपाही उनके निधन की खबर है, जिसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक जो है शोक की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही जो बात की जाए बाबरी मस्जिद केस का, जो ये पूरा केस लड़ रहे थे इसके जो सहयोगी थे उनके अंदर भी एक शोक की पूरी तरीके से लहर दौड़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ इसको लेकर के आज एक जो है बड़ी बैठक भी बुलाई जानी थी, लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके बाबरी मस्जिद का एक केस लड़ रहे थे, अब इस केस को कौन देखेगा और जो चीजें रही हैं, क्योंकि आज जो इनका निधन हुआ इससे पहले जो बात की जाइए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सदस्य है तो इसकी भी एक बैठक है, तो इसमें अब कौन चुना जाएगा इसको भी लेकर के भी अब लोगों के बीच सवाल बना हुआ है। कलीम, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा प्रमुख मायावती ने कल विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनेगी। बता दें कि नागरी निकाय चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने कहा कि पार्टी समय आने पर इसका बदला जरूर लेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन विरोधी गतिविधियों और नीतियों, गलत कार्यकलापों आदि कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसका देशपूर्ण दमनकारी व्यवहार और धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अति गंभीर और अति चिंताजनक है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। हम इन घोर जन विरोधी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। बीएसपी की कल अहम बैठक होने वाली, जिसमें वो सूबे के पार्टी को लेकर अपना रुख तय करेंगी, और इन्होंने साफ कहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनेगी। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने कहा कि पार्टी समय आने पर इसका बदला जरूर लेगी। इस खबर पर संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी द्वारा जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों आदि कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग का बड़े आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर वो मीटिंग करेंगी और उस मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाएंगी और प्रदेश सरकार को कैसे घेरा जा सकता है इसकी भी रणनीति बनाएंगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बसपा सुप्रीमो मनीष काफी दिन से लगातार जो है वो ये हमलावर रही है। जब से निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है उन्होंने सबसे पहला ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, और जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया साफ देखा जा रहा है कि 17 के 17 नगर निगम जो है बीजेपी ने जीत लिए। अगर इसके पहले की बात करें तो 17 के जब चुनाव हुए थे तो कुल 16 मेयर की सीटें थी, जिसमें 14 बीजेपी के पास जबकि 2 बसपा के पास गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बसपा की जो हालत है और भी खराब हो गई है। एक भी सीट जो है, जहां इसके पहले 2 सीट वो मेयर की कब्जा चुकी थी, इस बार एक भी सीट उसके पास नहीं गई। अगर बात करें तो ये बातें भी आई थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं, कोई उनके नाम का झंडा लेकर चुनाव मैदान में खड़ा होने की हिमाकत तक नहीं कर रहा है। और तमाम ऐसे कैंडिडेट बसपा ने उतारे जिसे ना तो सपा ने टिकट दिया ना तो भाजपा ने टिकट दिया। जो सपा और भाजपा के भागी थे वो बसपा के टिकट से इस निकाय चुनाव में मैदान पर उतरे थे। कल 18 मई को एक बैठक होनी है बसपा के उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर, और तमाम जो है वो निर्णय लिए जाएंगे। आज मेरठ के मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है तो हार का ठीकरा जो है जो प्रभारी बनाए गए थे अब उन पर जो है फूटता देखा जा सकता है। कल जो मायावती बैठक करेंगी उसमें लोकसभा चुनाव में बसपा की क्या स्थिति होने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि बसपा जो है अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश से खो चुकी है। जब से वो सत्ता से बाहर गई है, उसके बाद सपा की सरकार आई सत्ता में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ गई, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सिर्फ एक विधायक जो है चुन के आया था बसपा की तरफ से, और उसके बाद निकाय चुनाव में
बसपा जो पार्टी है वो एकदम से पस्त हो चुकी है। तो हार का ठीकरा जो जो प्रभारी बनाए गए थे, मंडल प्रभारी बनाए गए थे, उन पर जो है फूटते दिखा जा सकता है। मेरठ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, कल निर्णय होगा कि क्या क्या तैयारियां आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जाएंगी। लेकिन मायावती को ये साफ समझना होगा कि जब तक वो धरातल पे आके ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस निकाय चुनाव में एक भी जनसंपर्क जो है मायावती ने नहीं किया। मायावती बसपा की सुप्रीमो है, एक बड़ा चेहरा है दलितों की, उनके अलावा पार्टी में कोई बड़ा चेहरा है नहीं, नहीं मायावती पनपने देती है। ऐसे में जब सुप्रीमो ही धरातल स्तर पर आके काम नहीं करेंगे तो जो छोटे अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किस तरीके से बसपा की नैया जो है पार लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं मायावती को खुद ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, धरातल पे आना चाहिए और बसपा की जो राजनीतिक जमीन है जो उत्तर प्रदेश से गायब होती दिख रही है उसको फिर से वापस लाने के लिए जो मायावती है उनको लगातार मेहनत करनी होगी, ग्राउंड पे आना होगा और ग्राउंड से आके अपनों के बीच मिला के जो उनके कोर वोटर है उनको विश्वास जिताना होगा कि उनकी जो बहन है, दीदी है, वो सोई हुई नहीं है, उनके लिए जगी हुई है। तब तो बहुजन समाज पार्टी का बेड़ा पार हो पाएगा, वरना ये और भी गर्त में जाती हुई दिखाई दे सकती है। मनीष, मायावती लंबे समय अंतराल के बाद अब एक्टिव नजर आ रही हैं, सूबे के बहुत ही मजबूत नेता के रूप में देखी जाती हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे हमला करती नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि धर्म का राजनीतिक स्वार्थ बीजेपी कहीं ना कहीं उठा रही है, जो कि चिंताजनक है और ये लोकतंत्र के लिए घातक भी है। अब मायावती का अगला रुख क्या होने वाला है, क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाली हैं, क्या रणनीति आपको बनाती नजर आ रही वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कल की बैठक में साफ हो जाएगा कि मायावती के मन में आखिर चल क्या रहा है, पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो किस प्रकार का जो है दायित्व लोगों में बांटेगी, कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी भूमिका आम लोकसभा चुनाव में निभाते हुए देखेंगे, क्योंकि वस्ता का जो कोर वोटर है कहीं ना कहीं अभी भी उसको विश्वास है कि बहन जी उनके लिए काफी कुछ करेंगे, इसलिए वो उनसे जुड़ा भी हुआ है। हालांकि बीजेपी ने कुछ सेंधमारी की है, लेकिन पूरी तरीके से सेंधमारी जो है बसपा के कोर वोटर में बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मायावती लगातार ग्राउंड से गायब चल रही है, सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव दिखाई दे रही है, तो ट्विटर पर बयानबाजी करने से किसी भी को विपक्षी नेता को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमने देखा कि अखिलेश यादव लगातार ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, हमलावर होते रहे हैं, लेकिन अगर तुलना करें मायावती से तो वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखे हैं। तो जमीन पर दिखना होगा मायावती का, खुद वो जमीन पर दिखेंगी तो हमने देखा है कि मायावती कितनी सख्त नेता है और पदाधिकारी उनसे कितना खौफ खाते हैं कि खुद वो जमीन पर आएंगी, खुद जमीन पर दिखेंगी, जनसंपर्क करेंगी, चुनावी रैलियां करेंगी, अभियान चलाएंगी, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो उत्साहित होंगे और जोश में वो और भी अच्छा काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कल की बैठक में किसको अहम जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से हालात इस पार्टी के रहे हैं तो गाज गिरने वाली है। जितने भी प्रभारी बनाए गए थे, जिसकी शुरुआत मेरठ से हो चुकी है, तमाम लोगों पर कल भी गाज गिरेगी और उसके बाद जो है नए लोगों को दायित्व सौंपा जाएगा। वो कौन से चेहरे होंगे, खैर ये पुराने चेहरों पर ही ज्यादा मायावती भरोसा करती है, सतीश चंद्र मिश्रा पे दोबारा जो है वो बड़ी जिम्मेदारी देती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा ने कमान संभाली हुई थी, खैर एक विधायक चुन के आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती को अब अपनी पार्टी की राजनीतिक जो जमीन है उत्तर प्रदेश में तलाशना उन्होंने शुरू कर दिया गया है, जिस प्रकार की ये बैठक जो है वो 18 मई को बुलाई गई है। मनीष, कहीं ना कहीं मायावती प्रदेश में अपनी जड़ों को तलाश करने में जुट गई हैं और जड़ों को मजबूत करने में जुट गई हैं। इसी के तहत वो संगठन की पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं ताकि वो आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति बना सकें और प्रदेश में कहीं अपनी मजबूत स्थिति को लेकर सत्ता में गलियारे में कहीं ना कहीं कदम रख सकें। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है जिसमें मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाती नजर आएंगी, जिसमें संगठन में किस तरह से फेर बदल करके हम विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं 2024 में, इसकी रणनीति बनाएंगी।
और साथ में कहीं ना कहीं वो बीजेपी को घेरती नजर भी आ रही हैं। उन्होंने अहम मुद्दे उठाए हैं कि उनका कहना है कि धर्म की राजनीति करके बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, जो कि गलत है, इसे लोकतंत्र को हानि होती है। फिलहाल मायावती का अगला क्या रुख होने वाला है, ये देखने वाली बात है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है कि वो सत्ताधारी पार्टी और उसके द्वारा जो सरकारी मिशनरियां हैं उसके गलत इस्तेमाल को लेकर मायावती ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करी है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बदस्तूर जारी है, जहां निजी प्ले स्कूलों की स्थापना, संचालन और उनकी मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से बनाए गए दिशा निर्देशों पर शासन के अधिकारी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। 3 सालों से लगातार लिखा पढ़ी के बावजूद प्रदेश सरकार ने ना तो अपने स्तर से इनके लिए कोई कानून बनाया और ना ही केंद्र के स्तर से बनाए गए नियमों का दिशा निर्देश पर अमल किया गया। वहीं हालात ये हैं कि शहर को लेकर ग्रामीण अंचल में प्राइवेट प्ले स्कूलों की बाढ़ आ गई है, लेकिन उनकी जवाबदेही को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के संचालन से जुड़े प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। इस खबर पर संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मनमानी से चल रहे कई प्राइवेट स्कूलों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तरफ से ये कहा भी गया है कि इनकी मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और जनता जो अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में भेजती है पढ़ने के लिए, उनमें मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, मनमाने तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको भी ये प्राइवेट स्कूल नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल मनीष, जिस प्रकार से जो प्राइवे स्कूल हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के धरने से चलाए जा रहे हैं और जो शिक्षा माफिया है वो इनको जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसे में जो छात्र हैं और जो पेरेंट्स हैं वो काफी हलकान हो रहे हैं क्योंकि मनमानी तरीके से फीस ऐसी जा रही है जो बाजारों के जो दाम है काफी किताबों से उससे ऊंचे दर्जे पे जो है काफी किताब बेचे जा रहे हैं, ड्रेस भी बेचे जा रहे हैं। ऐसे में जो परिवार है, जो छात्रों का परिवार है, जो छात्र वहाँ पढ़ते हैं उनके लिए काफी दिक्कत जो है वो अब शुरू होती है क्योंकि मनमानी तरीके से वसूली की जा रही है फीस से लेकर तमाम चीजों पे और बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मानकों के ये स्कूल जो है संचालित हो रहा है। विवेक, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इस पे एक्शन प्लान अभी तैयार हुआ है ताकि इनको इनकी रोकथाम किया सके कि हर गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, अपने मनमाने तरीके से उसको संचालन करते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं, यहाँ तक कि कहाँ से किताबें ली जानी चाहिए, कि कहाँ से बस्ता लिया जाना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, सारी चीज़ों का तय वहीं करते हैं, ये कहाँ तक सही है और उस पे एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, गार्जियन जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए कि वो किस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए और जिस स्कूल में पढ़ा रहा है वहाँ की फीस के बारे में वो चर्चा भी करे। तमाम ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि कोरोना काल में बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो फीस है वो पूरी नहीं वसूली चाहिए, लेकिन तमाम प्राइवेट विद्यालयों ने कोरोना काल के समय ऑनलाइन क्लासेस करा के पूरी फीस जो है वसूली है, जिससे भी कई मामले प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा जो बैग देने का सिलसिला है, कापी किताब देने का सिलसिला है, ड्रेस देने का सिलसिला है, वो भी लगातार जारी है और ऐसा ये विद्यालय इसलिए करते हैं ताकि उसमें भी वो आर्थिक कमाई का हिस्सा खोज सके। जो परिवार है, जो छात्रों का परिवार है, जो माता पिता जो गार्जियन है वो जो है उनको अधिकार होना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए कापी किताब कहीं से भी खरीदें और ड्रेस कहीं से भी बनाएं, क्योंकि अगर आप अंतर देखेंगे तो बाजारों से अधिक दामों पे स्कूलों में ये सारी चीजें दबाव बनाकर जो है वो बेची जाती है। विवेक, आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में आखिर ऐसा क्या है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में ही अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं जबकि वहाँ की महंगी शिक्षा, वहाँ महंगी जो भी वहाँ उनके जो भी मापदंड होते हैं वो सब एक आम जनता के लिए काफ़ी महंगे होते हैं, उसके बावजूद भी लोग उनको वहाँ भेजना पसंद करते हैं और सरकारी स्कूलों में ना भेजते हैं, दोनों में क्या अंतर आपको ऐसा नज़र आ रहा है? जी, कहीं ना कहीं गुणवत्ता का अंतर दिखता है मनीष जी। जैसे आप
हम सभी को पता है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है, कहीं कहीं ऐसे भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय तक नहीं है। ऐसे में कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए तमाम सुविधाओं को खोजता है और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ये सारी सुविधाएं वो बच्चों को मुहैया कराती हैं। ऐसे में जो सुविधाएं ढूंढते हैं माता पिता बच्चों के लिए वो प्राइवेट अगर बात की जाए विद्यालयों में तो पहले नजर आती है। कहीं कहीं सरकारी विद्यालय जो है वो काफी बढ़िया है, लेकिन कहीं कहीं दूर दराज इलाकों में सरकारी विद्यालयों की जो हालत है वो खस्ताहाल है, जिसकी वजह से मजबूरन माता पिता को जो है ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि महंगी फीस देकर वो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, वहां पढ़ाने पर वो मजबूर है। जी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय कथा को हो रही है, जहां पे 13 मई से कथा की शुरुआत हुई, वहीं 17 तारीख यानी आज समापन होगा। वहीं कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह को देखते हुए बाबा ने मंगलवार को कहा कि उनका हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प बिहार में पूरा होता दिख रहा है। उनके इस बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बाबा के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए सीएम नीतीश ने साफ कहा कि ये संभव नहीं हो सकता। आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है, वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है, जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम। आपको बता दें कि बाबा का प्रण और हिंदू राष्ट्र का जो प्रण लेकर सामने आ रहा है, उसमें नीतीश ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय कथा को जो हो रही थी, उसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही है, जिसमें नीतीश ने उसको साफ खंडन किया है कि ये संभव नहीं है। 13 मई से कथा की शुरुआत हुई थी और आज 17 तारीख यानी आज समापन उसका होगा। वही कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह को देखते हुए बाबा ने मंगलवार को कहा कि उनका हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प बिहार में पूरा होता दिख रहा है। इसी पर बयान देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि इस बयान पर राजनीति शुरू करना क्या कोई मतलब नहीं है। बाबा के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए सीएम नीतीश ने साफ कह दिया कि यह संभव ही नहीं हो सकता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रंग में रंगा बिहार। बिहार से संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बाबा का ने जो प्रण लिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र का सपना अगर कहीं साकार होता दिख रहा है तो बिहार में दिख रहा है। इसको लेकर नीतीश ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने इसको निराधार बताया है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बाबा बागेश्वर को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया को रखी है, तो हालांकि संभवतः ये है कि राजनीतिक भी मुद्दा बनाया जा सकता है बीजेपी के तौर पर। बीजेपी इनको अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के ये बयान आने के बाद में कितने सियासी हलकों में इसकी चर्चाएं नजर आ रही हैं आपको? ये पूरा बिहार में ये पूरा घमासान बना हुआ है कि ये जो बाबा बागेश्वर है, इनका जो ये बयान आया है उस पर क्या बाबा वाकई की ये बीजेपी के जैसा कि मैं विजुअल देख पा रहा हूँ कि वहां पे बागेश्वर धाम की एक बहुत ही बड़ा जन समुदाय वहां पे इकट्ठा है, श्रद्धालुओं का एक जत्था वहां पे इकट्ठा है जो उनके उनके दर्शन करने के लिए ललाई दिख रहा है, तो आपको और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला होगा कि हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होता दिख रहा है उनको, नीतीश जी का इतना जो उन्होंने इस पर अपना खंडन इसका किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे, उस पर क्या सियासत छिड़ी हुई है? देखिए,
देखिए ये जो अभी पूरा बिहार में पूरा घमासान बना हुआ है बागेश्वर बाबा को लेकर के, आरजेडी एक तरफ अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। आरजेडी का कहना है कि हम एयरपोर्ट पे घेर लेंगे, हालांकि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ आज चौथा तीसरा दिन है, अभी तक उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का एक खरोच तक नहीं आया है। हालांकि तेज प्रताप जी ने जिस प्रकार से कहा था कि हम इनको एयरपोर्ट पर घेर लेंगे, एयरपोर्ट पे घेर कर इनको बिहार में अपना कथा नहीं करवाने देंगे, उसके बाद जाकर के अभी उसको लेकर के किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया तेज प्रताप की तरफ से नहीं आई है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत। हत्या के प्रयास में दोष मुक्त करार मुख्तार। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया। ২০০৯ में मामला दर्ज हुआ था। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी को मिली है बड़ी राहत। इस खबर पर संवाददाता पवन मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मुख्तार अंसारी के 2009 के हत्या के आरोप में आज उनको एमपी एमएलए कोर्ट से दोष मुक्त करार दे दिया गया है, कितनी राहत आप महसूस करते हैं मुख्तार अंसारी के लिए, क्या जानकारी इसको लेकर? जी मनीष, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक मामले में, यानी आज 17 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी थी, जिसमें 6 मई को पिछली तारीख की गई थी। यह मामला साल 2009 में मीर हसन की तरफ से सोनी यादव पर जानलेवा हमले का एक मुकदमा मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया था, जिसके विवेचना के दौरान 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव रही। आज जो है कि मुख्तार अंसारी की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हत्या के जी पवन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी ताजा सुर्खियों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।